बड़ी खबर भोपाल से है। लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में मध्य प्रदेश स्वतंत्र विधेयक 2020 लाने की तैयारी कर ली गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रलोभन देकर जबरन शादी और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वालों को 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो भी सहयोगी होगा उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं को देखते हुए कड़ा कानून बनने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया, लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा, जिसमें लव जिहाद और धर्मांतरण कर जबरन शादी करने वालों को 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह संज्ञेय अपराध के साथ गैर जमानती होगा। उन्होंने कहा, बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर जबरन शादी और धर्म परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। उन्होंने कहा, लव जिहाद में सहयोग करने वाले लोगों पर भी इस कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। जी, हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती, इसे घोषित करें। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, धर्मांतरण और धर्मांतरण से किए जाने वाले विवाह के 1 माह पूर्व जिला दंडाधिकारी को संबंधित व्यक्ति और धर्मांतरण करने वाले दोनों ही लोगों को सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा, बहलाकर प्रलोभन देकर और बलपूर्वक धर्मांतरण और शादी को गैर कानूनी और अवैध माना जाएगा। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।